लेकिन रोज एक मामला निकालना नहीं है, ये भी नहीं करना चाहिए, हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना। ज्ञानवापी में शिवलिंग होने के दावे के बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कट्टरपंथियों की हो रही है भयंकर फजीहत। ज्ञानवापी मस्जिद के विवाद के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि ज्ञानवापी का एक इतिहास है जिसे हम बदल नहीं सकते हैं, वो इतिहास हमने नहीं बनाया है, न आज के अपने आप को हिंदू कहने वालों ने बनाया है, न आज के मुसलमानों ने बनाया, हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों ढूंढना। मोहन भागवत के बयान पर लोग कई तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। हमने 9 नवंबर को कह दिया था कि एक राम जन्मभूमि का आंदोलन था जिसमें हम सम्मिलित हुए, हमने उस काम को पूरा किया, अब हमें आंदोलन नहीं करना है, लेकिन मन में मुद्दे उठते हैं, ये किसी के विरुद्ध नहीं है। आगे बढ़ते हुए उन्होंने कहा कि रोज एक मामला निकालना ठीक नहीं है, हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना। ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे हैं, ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना। मोहन भागवत के बयान पर लोग कई तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एबीपी न्यूज के पत्रकार ब्रजेश राजपूत ने ट्वीट करके लिखा, 100 बात की एक बात, हर मस्जिद में शिवलिंग तलाशने वालों को आरएसएस प्रमुख की खरी खरी। पत्रकार अजीत अंजुम ने लिखा, नहीं कुछ तो अपने कुल गुरु मोहन भागवत की बात ही सुन ले बीजेपी वाले। पत्रकार नरेंद्र नाथ मिश्रा ने लिखा, टीवी डिबेट या न्यूज वाले कम से कम भागवत जी की बात मान ले, क्यों हर जगह शिवलिंग की तलाश करे, क्यों तोड़ने की बात करे। वरिष्ठ पत्रकार ओम थानवी ने लिखा, हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढने की कवायद ने बदनामी दी है, दुनिया हंस रही है, इसलिए भूल सुधार कर रहे होंगे। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने लिखा, मैं श्री मोहन भागवत के इस अत्यंत सुंदर स्टेटमेंट का स्वागत करता हूं। हमें इतिहास को एक तरफ रखना सीखना चाहिए और इसे एक दूसरे के खिलाफ युद्ध की कुल्हाड़ी के रूप में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि राजनीतिक गलियारों से जुड़ी हर वायरल न्यूज सबसे पहले आप तक पहुँच सके।